परेड कमांडर आईपीएस गौरव राय मंच की ओर अग्रसर हैं। निरीक्षण हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करेंगे। स्वतंत्रता दिवस परेड निरीक्षण के लिए तैयार है श्रीमान। मुख्यमंत्री जी, राज्य के पुलिस महानिदेशक महोदय और परेड कमांडर निरीक्षण वाहन पर निरीक्षण के लिए रवाना हो रहे हैं। निरीक्षण वाहन पर माननीय मुख्यमंत्री श्रद्धेय श्री भूपेश बघेल जी के साथ पुलिस महानिदेशक श्री अशोक जुनेजा जी और परेड कमांडर श्री गौरव राय जी भी हैं। परेड लाइन पर खड़ी हुई ये टुकड़ियां दम साधे खड़ी हैं। जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री जी के सामने आज अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन कर ये टुकड़ियां आश्वस्त करना चाहती हैं कि देश और प्रदेश का भविष्य मजबूत हाथों में सुरक्षित है। माननीय मुख्यमंत्री जी, आपको अपने बीच पाकर यहाँ मौजूद हजारों लोगों में जो उत्साह और उल्लास है वो बयां करता है कि आपके नेतृत्व में हमारा प्रदेश एक सच्चे लोक कल्याणकारी राज्य के रूप में विश्व के सामने है। जो सुशासन प्रदेश में आज कायम है वो हमें हर तरह की आजादी का विश्वास दिलाता है। आपका हमारे बीच होना स्वतंत्र भारत के एक नवोदित राज्य की उज्जवल भविष्य की गारंटी की तरह है। प्रतिष्ठित दर्शक दीर्घा के सामने से सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए जन जन के प्रिय मुख्यमंत्री जी, आपके स्मित मुस्कान हम सभी में एक नए विश्वास, नई आशा का संचार करती है। आपको, आपके जन कल्याणकारी दर्शन को और आपकी योजनाओं को पूरे देश ने सराहा है। प्रदेश के कोटि कोटि लोगों की दुआएं आपके साथ हैं और 2.5 करोड़ लोगों का विश्वास आपके साथ है कि छत्तीसगढ़ आपके नेतृत्व में बहुत तेजी से विकास की नई ऊंचाइयों को छुएगा। निरीक्षण वाहन इंस्पेक्शन लाइन की ओर आगे बढ़ रहा है। दम साधे खड़ी हुई ये टुकड़ियां आज अपना सबसे अच्छा प्रदर्शन करना चाहती हैं। नंबर एक पर है सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक प्रधान चौधरी, 132 बटालियन बांदे कांकेर। सीमा सुरक्षा बल की ये टुकड़ी। नंबर दो पर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं निरीक्षक दिनेश सिंह, 211/65 बटालियन न्यू रायपुर। केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उप निरीक्षक रजत कुमार, तीसरी वाहिनी सीआईएसएफ के नेतृत्व में। नंबर चार भारत तिब्बत सीमा पुलिस, निरीक्षक संदीप कुमार, 53वीं वाहिनी नारायणपुर के नेतृत्व में। नंबर पांच सशस्त्र सीमा बल उप निरीक्षक राजबीर, 33वीं वाहिनी केवीटी कांकेर के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी, नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर प्रमोद सिंह, 11वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जांजगीर। छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी उप निरीक्षक सिंधु साहू, जिला सरगुजा के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस की पुरुष टुकड़ी प्लाटून कमांडर शोएब मोहम्मद, प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई के नेतृत्व में। नगर सेना पुरुष की टुकड़ी प्लाटून कमांडर पालेश्वर धृत लहरे, 7वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई के नेतृत्व में। नगर सेना महिला की टुकड़ी सुश्री राजश्री मौर्य उप निरीक्षक जिला रायपुर के नेतृत्व में। एनसीसी बॉयज का प्लाटून सीनियर अंडर ऑफिसर संदीप कुशवाहा, 27 सीजी बटालियन एनसीसी रायपुर के नेतृत्व में। एकता और अनुशासन पर काम करने वाली एनसीसी गर्ल्स का प्लाटून
सीनियर अंडर ऑफिसर प्रिया सिंह 8CG गर्ल्स बटालियन एनसीसी रायपुर के नेतृत्व में, और बैंड का प्लाटून कंपनी कमांडर मारुति राव तायवाड़े प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई के नेतृत्व में। अभिवादन स्वीकार करते हुए आगे बढ़ता हुआ मुख्यमंत्री जी का निरीक्षण वाहन, अभी अभी हमने इन थमे हुए तूफानों को इन प्लाटूनों में निबद्ध देखा है। कुछ ही समय बाद एक बेहद आकर्षक मार्च पास्ट के हम सभी साक्षी बनेंगे, और हमें पूरा यकीन है कि ये मार्च पास्ट आप सभी के स्मृति पटल पर एक अमिट याद छोड़ जाएगा। माननीय मुख्यमंत्री जी, विकास के प्रहरी के रूप में ये बल आपको आश्वस्त करते हैं कि देश और प्रदेश के सर्वांगीण विकास के जो स्वप्न आपने देखे हैं, जो महत्वाकांक्षी योजनाएं व्यापक जनकल्याण के लिए आपने बनाई हैं, उनके रास्ते में कोई भी बाधा नहीं आ पाएगी। बहुत ही उत्साह और आह्लाद इस समारोह में मौजूद लोगों में दिखाई दे रहा है। इस बारिश के सुहाने मौसम में लगातार होती बारिश को भी लोगों ने नजरअंदाज कर दिया है। आज आजादी के अमृत महोत्सव को मनाने के लिए उत्साह भी दोगुना हो चुका है इस बारिश के सामने। पुलिस और सशस्त्र बलों की समस्याओं को जानने और उनके निराकरण के प्रति आपने उच्च स्तर की संवेदनशीलता का परिचय दिया है। राज्य की पुलिस और सशस्त्र बलों के प्रति माननीय मुख्यमंत्री जी ने सदैव सहानुभूतिपूर्ण रुख रखा है। आपके योग्य नेतृत्व में प्रदेश में लोकतांत्रिक मूल्य और भी ज्यादा सुदृढ़ हुए हैं। लोकतंत्र की रक्षक पुलिस और सशस्त्र बलों का मनोबल और भी अधिक ऊंचा हुआ है। आपके कुशल मार्गदर्शन में छत्तीसगढ़ सच्चे कल्याणकारी राज्य के आदर्शों पर अमल कर रहा है। प्रदेश में सद्भाव, भाईचारे और राष्ट्रीय एकता की नींव और भी अधिक मजबूत हुई है। तीन रंगों में रंगे ये गुब्बारे, माननीय मुख्यमंत्री महोदय इसे छोड़ने जा रहे हैं स्वच्छंद आकाश में। और ये गुब्बारे प्रतीक है हमारी स्वतंत्रता के, हमारी आजादी के, और इस अवसर पर भारत माता की वंदना तो बनती है। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। निरीक्षण संपन्न हुआ। अब हर्ष फायर में तीन राउंड फायर होंगे। हर्ष फायर के दौरान राष्ट्रगान की धुन तीन हिस्सों में बजाई जाएगी। पहले दो हिस्सों में खड़ा नहीं होना है। तीसरे फायर के बाद जब राष्ट्रगान की धुन पूरी बजाई जाएगी तो सभी लोग सावधान होंगे और सभी वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। परेड कमांडर गौरव राय वापस अपनी जगह लेते हुए। ब्रेक! हर्ष फायर के लिए अधिकारी व जवान जगह लो। हर्ष फायर के लिए एक आवाजी कारतूस भर।
अब की बार सभी सावधान होंगे और वर्दीधारी अधिकारी सैल्यूट करेंगे। पेश कर, शुरू कर। राष्ट्रपति की प्रेट। अधिकारी व जवान वापस जगह लो। परेड कमांडर आईपीएस गौरव राय की कमांड पर सभी टुकड़ियां मार्च पास्ट के लिए तैयार हैं। कमांडर्स अपना स्थान ग्रहण करने जा रहे हैं। इस परेड को जानदार बनाने के लिए इन टुकड़ियों ने सुबह शाम काफी मेहनत की है। इस परेड मैदान का शायद ही कोई ऐसा हिस्सा होगा जो इनके पसीने से भीगा नहीं होगा। इनकी मेहनत काबिले तारीफ है, इनका जोश काबिले तारीफ है। इनके उम्दा प्रदर्शन पर हम तालियों से इनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। सभी कमांडर्स अपने स्थान पर पहुंच चुके हैं। और मार्च पास्ट शुरू हो चुका है। अभी अभी राष्ट्रपति की जय के नारे लगाए गए हैं। महामहिम राष्ट्रपति देश के लोकतंत्र, गणतंत्र और संपूर्ण प्रभुत्व संपन्नता के प्रतीक हैं। उनकी जय देश के एक एक स्वतंत्र भारतीय की जय है। और अभी जो गोलियां दागी गई हैं, उनकी आवाज देश के दुश्मनों के कानों में सीसा घोल रही होगी। ये एक चेतावनी है उनको कि बाज आ जाएं और समाज की मुख्य धारा में आ जाएं, वरना भारत जानता है कि अपने दुश्मनों, असंवैधानिक अलोकतांत्रिक ताकतों से कैसे निपटना है। आज जिस परम पवित्र भावना के कारण हम सभी हर्षित हैं, गर्व महसूस कर रहे हैं, वो भावना है हमारे हिंदुस्तानियत की भावना, भारतीयता की भावना। इसी भावना के कारण दक्षिण भारतीय मेजर उन्नीकृष्ण मुंबई में देश के लिए सर्वोच्च बलिदान करते हैं।
इसीलिए राजस्थान का जवान नागालैंड में देश की रक्षा में मां भारती के काम आ जाता है। दक्षिण भारत में सुनामी आने पर सारे भारत की आत्मा आर्तनाद कर उठती है। किसी ने क्या खूब कहा है कि जिस प्रकार दूध में मक्खन छिपा होता है, उसी प्रकार सामान्य परिस्थितियों में देशभक्ति की भावनाएं अप्रकट होती हैं। वक्त आने पर राष्ट्र प्रेम का ऐसा ज्वार उठता है जो स्पष्ट कर देता है कि ये केवल जमीन नहीं है, ये मातृभूमि है, वो मातृभूमि जिसके आगे स्वर्ग भी तुच्छ है। सधे हुए कदमों से आगे बढ़ते परेड कमांडर, सेकंड ऑफिसर इन कमांड और सभी प्लाटून, आज ये अनुशासित बल मानो उद्घोष करना चाहता है कि इनसे बेहतर कोई नहीं। ऐसे ही जज्बों के साथ, सिंह जैसी रोबिली चार के साथ यहाँ लीडर्स आगे बढ़ रहे हैं, सबसे आगे चल रहे हैं। हाथों में शौर्य और साहस के प्रतीक सोट थामे परेड कमांडर आईपीएस गौरव राय, उनके ठीक पीछे सेकंड ऑफिसर इन कमांड मनोज मंडावी, और मंच के सामने से गुजरती हुई ये टुकड़ी सीमा सुरक्षा बल की टुकड़ी निरीक्षक प्रधान चौधरी 132 बटालियन बांदे कांकेर के नेतृत्व में। नंबर दो पर है केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी निरीक्षक दिनेश सिंह 211/65 बटालियन नया रायपुर के नेतृत्व में। नंबर तीन पर केंद्रीय औद्योगिक सुरक्षा बल उप निरीक्षक रजत कुमार 3 बटालियन CISF के नेतृत्व में। गर्व के साथ उन्नत भाल लिए हुए ये है भारत तिब्बत सीमा पुलिस की टुकड़ी निरीक्षक संदीप कुमार तीर्थ परवीन वाहिनी नारायणपुर के नेतृत्व में। सशस्त्र सीमा बल की टुकड़ी जिसका नेतृत्व कर रहे हैं उप निरीक्षक राजबीर 33 वाहिनी केवटी कांकेर। ये है छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की पुरुष टुकड़ी प्लाटून कमांडर प्रमोद सिंह 11 वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल जांजगीर चांपा के नेतृत्व में। इनके ठीक पीछे छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की महिला टुकड़ी SI सिंधु साहू जिला सरगुजा के नेतृत्व में। छत्तीसगढ़ पुलिस की पुरुष टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं प्लाटून कमांडर शोएब मोहम्मद प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई। नगर सेना की पुरुष टुकड़ी प्लाटून कमांडर पालेश्वर धृत लहरे 7 वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई के नेतृत्व में। मंच की ओर अग्रसर है नगर सेना की महिला टुकड़ी सुश्री राजश्री मौर्य उप निरीक्षक जिला रायपुर के नेतृत्व में। NCC बॉयज की ये टुकड़ी नेतृत्व कर रहे हैं सीनियर अंडर ऑफिसर संदीप कुशवाहा 27 CG बटालियन NCC रायपुर। इनके ठीक पीछे NCC गर्ल्स की टुकड़ी सीनियर अंडर ऑफिसर प्रिया सिंह 8 CG गर्ल्स बटालियन NCC रायपुर के नेतृत्व में। और आज के कार्यक्रम को अपनी जोशीली थापों से और भी ज्यादा जोश भरा बनाने वाला यह बैंड का प्लाटून नेतृत्व कर रहे हैं कंपनी कमांडर मारुति राव तायवाड़े प्रथम वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल भिलाई। बहुत ही जोशीली और शानदार परेड। बारिश के इस रिमझिम फुहारों के बीच, इन तेज फुहारों के बीच ऐसा लगता है मानो बादल भी जैसे नजदीक से आकर इन जवानों के कदमों को चूमने को बेताब है। ये नया इतिहास रचने वाले बल हैं, ये इतिहास का रुख मोड़ देने वाले जवान हैं, इनकी यूनिट्स इन पर गर्व करती है। ये जो अग्निशालाकाएं हैं, जो माँ भारती के आंगन में कभी अंधेरा नहीं होने देंगी। ये कहते हैं कि माँ भारती का वैभव अपार अजर अमर रहे, इस देश की पवित्र माटी माँ भारती की संतति संपत्ति सब फले फूले, और इसके लिए ये किसी भी बलिदान के लिए तैयार रहेंगे। ये शहरों के शहंशाह हैं, बीहड़ों के बादशाह हैं, ये हवाओं के हुक्मरान हैं, ये समंदर के सरताज हैं, ये प्रतिकूल धाराओं का रुख मोड़ने का दम रखने वाले जवान हैं, ये आंधियों में भी चराग रोशन रखने वाले लोग हैं, जो कश्मीर से कन्याकुमारी तक और उत्तर पूर्व से लेकर गुजरात राजस्थान की मरुभूमि तक देश को एकजुट रखते हुए सुरक्षित रखते हैं। कदमों से कदम और कांधों से मिल रहे हैं कांधे, और दिल की भावनाएं मिल रही हैं दिल की भावनाओं से, और बना रही है राष्ट्रीयता की लहर भारत भूमि से प्रेम की भावना लिए हुए मन में। आगे बढ़ रहे हैं ये सभी प्लाटून, एक बार वापस इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच रहे हैं। एक बहुत ही दमदार मार्च पास्ट हमने देखा है। ये वो जवान हैं जिनकी बाजुओं में आंधियों का जोर है,
जिनकी धड़कनों में बादलों का शोर है, ये इस चमन के बागवान हैं और जिनके इरादे माउंट एवरेस्ट से भी ऊंचे हैं। इनसे हमें प्रेरणा मिलती है कि हम जीने की इच्छा रखते हैं तो हमारे जीने की सार्थकता इसी में है कि हम देश का भार अपने कंधों पर लेकर जीवित रहें। यही देश के प्रति हमारा पहला कर्तव्य है और हमारा अधिकार भी। सभी प्लाटून वापस इंस्पेक्शन लाइन पर पहुंच चुके हैं। आज के स्वतंत्रता दिवस परेड आयोजन के प्रभारी हैं श्री आरपी साय, पुलिस महानिरीक्षक छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल। आगे बढ़ेगी, के दौरान ड्रेसिंग कवरिंग के जो छोटे मोटे नुक्स रह गए होंगे उन्हें दूर करने के लिए ये सज्जा की कार्यवाही हो रही है। इसके बाद परेड फिर से पहले जैसी व्यवस्थित हो जाएगी। समीक्षा क्रम में आगे बढ़ेगी संतोष मध्य से सलामी देगी, जनरल सल्यूट सलाम शस्त्र। और अब माननीय मुख्यमंत्री महोदय से निवेदन है कि कृपया राज्य की जनता के नाम संदेश वाचन करें। भारत की आजादी की 75वीं वर्षगांठ के पावन अवसर पर आप सभी छत्तीसगढ़ वासियों को हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। सुराजी तिहार के पावन बेरा में जम्मू सियान दाई दीदी संगवारी और नोनी बाबू मल्ल गाड़ा गाड़ा बधाई जय जोहार। आजाद भारत के अमृत महोत्सव के मायने और मूल्यों को समझने के लिए हमें 2 शताब्दियों की गुलामी को याद करना होगा। हमारे पुरखों ने अपनी जान दांव पर लगाकर फिरंगी सरकार के खिलाफ बगावत का झंडा बुलंद किया था। उनका त्याग और बलिदान देश की भावी पीढ़ियों का जीवन खुशहाल बनाने के लिए था। हमारा कर्तव्य है कि उनके सपनों को साकार करें और उनके स्मृतियों को चिरस्थायी बनाएं। अमर शहीदों गायन सिंह, वीर नारायण सिंह, मंगल पांडे, भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्ला खां, रानी लक्ष्मीबाई, रानी अवंतीबाई लोधी जैसे हजारों विभूतियों की शहादत हमें देश के लिए सर्वोच्च बलिदान की प्रेरणा देती रहेगी। स्वतंत्रता संग्राम और आजाद भारत को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, लाल बहादुर शास्त्री, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, सरदार वल्लभ भाई पटेल, लाल बाल पाल, मौलाना अबुल कलाम आजाद,
जैसी विभूतियों ने राष्ट्रीय स्तर पर नेतृत्व दिया था, वहीं वीर गुंडाधुर, पंडित रविशंकर शुक्ल, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, बाबू छोटेलाल श्रीवास्तव, डॉक्टर खूबचंद बघेल, पंडित सुंदरलाल शर्मा, डॉक्टर ई राघवेंद्र राव, क्रांति कुमार, बैरिस्टर छेदीलाल, लोचन प्रसाद पांडे, यति यतनलाल, डॉक्टर राधाबाई, पंडित वामर राव लाखे, पंडित महंत लक्ष्मी नारायण दास, अनंत राम बरछिया, मौलाना अब्दुल रऊफ खान, हनुमान सिंह, रोहिणी बाई परगनिया, केकती बाई बघेल, श्रीमती बेलाबाई, इंद्रु केवट, उदयराम वर्मा, खिलावन सिंह बघेल, घसिया मंडल जैसे अनेक स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों ने राष्ट्रीय आंदोलन में छत्तीसगढ़ की सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित की थी। मैं इन सभी को सादर नमन करता हूं। देश की एकता और अखंडता, संविधान व लोकतंत्र के प्रति आस्था को बचाए रखना एक चुनौती थी और इसके लिए हमारे देश की सेनाओं व सुरक्षा बलों के जवानों ने शहादत दी है। मैं उन अमर शहीदों को भी सादर नमन करता हूं। इस अवसर पर मैं राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के आखिरी वसीयतनामे का उल्लेख करना चाहूंगा। उन्होंने कहा था, भारत ने राजनीतिक स्वतंत्रता तो प्राप्त कर ली है, लेकिन उसे अभी शहरों और कस्बों से भिन्न अपने 7 लाख गांवों के लिए सामाजिक, आर्थिक और नैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना बाकी है। आज देश के सामने अनेक चुनौतियां हैं। कृषि व वन भूमि का कम होना, पर्यावरण संतुलन, प्रदूषण, बीमारियों, महंगाई, बेरोजगारी आदि से लोगों का जीवन संकटमय हुआ है। हमने पुरखों की सीख और माटी की संस्कृति का सम्मान करते हुए कृषि तथा वन उत्पादों, परंपरागत ज्ञान, आधुनिक साधनों व रणनीतियों के माध्यम से ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने का रास्ता चुना। मुझे गर्व है, हम आजादी के 75वीं सालगिरह के अवसर पर देश और दुनिया के सामने बापू के सिद्धांतों और विचारों के अनुरूप कार्य करने में सफल हुए हैं। इसमें प्रकृति सम्मत विकास, हर व्यक्ति को गरिमा, न्याय व बराबरी के अवसर देने वाली योजनाएं और कार्यक्रम शामिल है। हमने न्याय योजनाओं की जो पहल की थी, उसे निरंतर आगे बढ़ाने की के लिए संकल्पबद्ध हैं। यही वजह है कि राजीव गांधी किसान न्याय योजना अब तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इससे लगभग 13,000 करोड़ रुपए की राशि किसानों को दी जा चुकी है। इस तरह एक सीजन में किसानों को प्रति एकड़ 9,000 रुपए की आदान सहायता देने वाला देश का पहला राज्य हमारा छत्तीसगढ़ है। गोधन न्याय योजना भी तीसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है। इसके अंतर्गत अब तक गोबर विक्रेताओं, गौठान समितियों व स्वसहायता समूहों को 312 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। देश में रासायनिक खाद की कमी और मूल्य वृद्धि के परिदृश्य में हमारे गौठान में निर्मित जैविक खाद अब एक बेहतर विकल्प बन रही है। किसानों की सिंचाई कर माफी की पहल में भी विस्तार किया गया है और 17 लाख से अधिक किसानों के 342 करोड़ रुपए की राशि माफी की जा चुकी है। किसानों को 4 वर्ष पहले मात्र 3692 करोड़ रुपए कृषि ऋण के रूप में प्राप्त हुआ था, हमने इस वर्ष लक्ष्य बढ़ाकर 6500 करोड़ रुपया कर दिया है, जिससे लगभग 75% अधिक राशि ब्याज मुक्त ऋण के रूप में कृषि क्षेत्र में आएगी। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना अपने दूसरे वर्ष में प्रवेश कर चुकी है और इसके तहत अब तक पात्र हितग्राहियों को 213 करोड़ रुपए की राशि
दी जा चुकी है। मैंने घोषणा की थी 31 जनवरी 2021 तक लंबित सभी कृषि पंपों को ऊर्जीकृत कर कार्य शीघ्र पूरा कर दिया जाएगा और मुझे कहते हुए खुशी है कि हमने 35,151 कृषि पंपों को ऊर्जीकृत करते हुए एक नया कीर्तिमान बना लिया है। अब 20,550 नए पंप कनेक्शनों का कार्य 31 मार्च 2023 तक पूरा करने का लक्ष्य है। हमने खेती को लाभ का जरिया बनाने का वादा भी निभाया है। लगातार बढ़ते हुए इस वर्ष धान खरीदी 98 लाख मीट्रिक टन के सर्वोच्च शिखर पर। बढ़कर 21,77,000 से अधिक हो गई है, जो पहले मात्र 12,06,000 थी। इस तरह हमारे प्रयासों से धान बेचने वाले किसानों की संख्या 9,71,000 बढ़ी है। प्रदेश में धान के अलावा अन्य अनाजों का उत्पादन बढ़ाने के लिए भी अनेक उपाय किए गए हैं, जिसके कारण अनाज उत्पादन के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ न सिर्फ स्वावलंबी हुआ है बल्कि प्रदेश में कुल आवश्यकता का 270% अधिक अनाज उत्पादन हुआ है। फसल विविधीकरण की गति बढ़ाने के लिए टी काफी बोर्ड का गठन किया गया है। दलहन तिलहन का उत्पादन बढ़ाने के लिए हमने बहुत से कदम उठाए हैं। इस वर्ष से दलहन फसलों की खरीदी भी समर्थन मूल्य पर की जाएगी। खरीफ 2021 में धान के बदले 17,539 एकड़ क्षेत्र में दलहन तिलहन एवं 240 एकड़ में वृक्षारोपण किया गया है। रबी 2021-22 में ग्रीष्मकालीन धान का रकबा 95,000 हेक्टर कम करते हुए 42,000 हेक्टर क्षेत्र में मक्का एवं शेष रकबे में दलहन तिलहन साग सब्जी की फसलें लगाई गई है। खरीफ 2022 में धान के 5,00,000 हेक्टेयर क्षेत्र को दलहन तिलहन एवं अन्य उद्यान की फसलों से प्रतिस्थापित करने का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश में लघु धान्य फसलों को प्रोत्साहित करने के लिए छत्तीसगढ़ मिलेट मिशन का गठन किया गया है। कोदो कुटकी रागी का न्यूनतम समर्थन मूल्य घोषित कर इसकी खरीदी करने वाला देश का पहला राज्य छत्तीसगढ़ है। सुराजी गांव योजना अत्यंत महत्वाकांक्षी पहल है, जिससे छत्तीसगढ़ को स्वावलंबी ग्रामीण अर्थव्यवस्था वाला राज्य बनाने, भूजल संरक्षण व रिचार्जिंग को बढ़ाने और कृषि भूमि को जहरीले रसायनों से मुक्त दिलाते हुए जैविक खेती में मदद मिल रही है। नरवा योजना से विभिन्न नालों में 99 लाख से अधिक संरचनाओं का निर्माण किया गया है, जिससे उपचारी क्षेत्र में भूजल स्तर में 30% तक की वृद्धि हुई है। वहीं नालों में पानी की उपलब्धता भी 2 माह से अधिक रहने लगी है। गरवा योजना में पहले हमने गौठानों के विकास पर जोर दिया, अब तक 8,408 गौठानों को विकसित किया जा चुका है, जो रोका छेका अभियान के साथ आर्थिक सांस्कृतिक गतिविधियों के केंद्र बने हैं। गोबर से बिजली बनाने के लिए भी भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ प्रौद्योगिकी साझा करने हेतु MOU किया गया है। गोबर से ऑयल पेंट तथा अन्य उत्पाद बनाने की दिशा में भी बहुआयामी पहल की जा चुकी है। गौठानों को आजीविका केंद्र के रूप में विकसित करने हेतु हम ग्रामीण आजीविका पार्क अर्थात रूरल इंडस्ट्रियल पार्क प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसका उद्देश्य ग्रामीण गरीब परिवारों के लिए आजीविका के माध्यम से अतिरिक्त आय के साधन बनाना है। गांधी जयंती 2 अक्टूबर 2022 के अवसर पर इसका शुभारंभ किया जाएगा और प्रथम वर्ष में 300 ऐसे पार्क स्थापित कर दिए जाएंगे। अब एक कदम और आगे बढ़ाते हुए हमने 4 रुपये प्रति लीटर की दर से गौमूत्र खरीदी की योजना भी शुरू कर दी है, जो रासायनिक पेस्टिसाइड के मुकाबले एक बेहतर विकल्प है। बड़ी योजना अंतर्गत प्रति गौठान 1 से 1.5 एकड़ तक भूमि चिन्हांकित की गई है और अभी तक 3 लाख से अधिक बाड़ियां विकसित की जा चुकी है।
राज्य के बंपर धान उत्पादन को किसानों की शक्ति बनाने के लिए हमने राज्य की जरूरतें पूरी होने के बाद शेष धान से बायोथेनॉल के उत्पादन की योजना बनाई है और 27 नियोजकों के साथ एमयू भी किया गया है। विकास खंडों में फूड पार्क बनाने की योजना के तहत अभी तक 112 स्थानों पर भूमि चिन्हित की जा चुकी है और इसमें से 52 विकास खंडों में लगभग 621 हेक्टेयर भूमि का हस्तांतरण उद्योग विभाग को कर दिया गया है। परंपरागत कौशल के वैल्यू एडिशन के लिए हमने सी मार्ट की स्थापना का वादा भी निभाया है। इससे बुनकरों, कारीगरों, शिल्पकारों तथा स्वसहायता समूह के स्थानीय उत्पादों की बिक्री हेतु उचित बाजार मिलेगा। महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को हम ग्रामीण अंचलों में मजदूरी से जीवन यापन करने वाले परिवारों के जीवन रेखा मानते हैं। मुझे खुशी है वर्ष 2021-22 में हमने लेबर बजट के विरुद्ध मांग के आधार पर लक्ष्य से 108% तक अधिक मानव दिवस रोजगार सृजित किए। मनरेगा से हर जिले में कम से कम 75 अमृत सरोवर निर्मित करने का लक्ष्य था, हमने उसे अधिक 2709 अमृत सरोवर निर्मित किए हैं। गौठानों के निकट मछली पालन के लिए 1859 तालाब स्वीकृत किए गए हैं, जिसमें से 1318 पूर्ण कर लिए गए हैं। मैंने मनरेगा को शहरी क्षेत्र के लिए भी लागू करने का अनुरोध भारत सरकार से किया है। हमने श्रमिकों को न्याय दिलाने के लिए भी कई कदम उठाए हैं। मुख्यमंत्री नोनी सशक्तिकरण योजना का लाभ 3000 से अधिक हितग्राहियों को, मुख्यमंत्री निर्माण श्रमिक निःशुल्क कार्ड योजना का लाभ 88000 से अधिक हितग्राहियों को मिला है। मुख्यमंत्री सियान श्रमिक योजना के तहत निर्माण श्रमिकों को पात्रता अनुसार 10000 रुपये, श्रम कल्याण मंडल में पंजीकृत श्रमिक परिवारों के बच्चों को शैक्षणिक छात्रवृत्ति के रूप में 30000 रुपये तक राशि, मेघावी शिक्षा पुरस्कार योजना के तहत 1,00,000 रुपये तक की राशि, खेल कूद प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत 1,50,000 रुपये तक की राशि देने का प्रावधान किया गया है। पूर्व में आम जनता के साथ ठगी करने वाले चिट फंड कंपनियों के खिलाफ हमने ठोस कार्रवाई करते हुए 622 पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया है। माननीय न्यायालयों द्वारा लगभग 56 करोड़ रुपए की संपत्ति की नीलामी का आदेश दिए जा चुके हैं, जिसमें से 32 करोड़ रुपए की राशि नीलामी से प्राप्त हुई और 28000 से अधिक निवेशकों को लगभग 18 करोड़ रुपए लौटाए जा चुके हैं। नीलामी से प्राप्त शेष राशि भी निवेशकों को लौटाने का कार्य प्रगति पर है। ऐसे अन्य कंपनियों के खिलाफ कार्रवाई भी जारी है। आदिवासियों को विभिन्न तरीकों से न्याय देने के उपाय किए गए हैं। अदालतों में लंबित विभिन्न प्रकार के 1275 प्रकरण वापस होने से उनके सम्मानजनक रिहाई तथा घर वापसी हुई है। निरस्त वन अधिकार दावों की समीक्षा करते हुए ऐसे मामलों में आदिवासियों तथा अन्य परंपरागत वन निवासियों को उनके काबिज भूमि के अधिकार देने का वादा हमने निभाया है। अनुसूचित जनजाति तथा परंपरागत वन निवासियों को अभी तक 5,03,993 व्यक्तिगत, सामुदायिक तथा वन संसाधन अधिकार पत्र दिए जा चुके हैं, जिसके तहत 38,85,900 हेक्टेयर भूमि की अधिमान्यता पत्र वितरित किए गए हैं। हमने तेंदुपत्ता संग्रहण पारिश्रमिक दर 2,500 रुपये प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 4,000 रुपये किए हैं। पूर्व में सिर्फ 7 लघु उपज के समर्थन मूल्य पर खरीदी की जा रही थी, हमने 65 लघु उपजों के समर्थन मूल्य पर खरीदी प्रारंभ की है। विगत 3 वर्षों में देश में समर्थन मूल्य पर हुई कुल लघु उपज खरीदी का 75% हिस्सा छत्तीसगढ़ में क्रय किया गया, जो एक गौरवपूर्ण उपलब्धि है। इसे वनाश्रित परिवारों को करोड़ों रुपए की अतिरिक्त आय प्राप्त हुई है। आदिवासी संस्कृति के संरक्षण एवं संवर्धन हेतु देवगुड़ी व गोटुल स्थलों का पुनरुद्धार किया जा रहा है। नक्सली गतिविधियों से बाधित और बंद हुई 260 शालाओं का संचालन पुनः प्रारंभ किया गया है। विशेष पिछड़ी जनजातियों के 9623
युवाओं को सरकारी नौकरी देने की घोषणा भी मैंने की है, जिसे शीघ्र पूरा किया जाएगा। मुझे कहते खुशी है कि हमने आदिवासियों के हित में वर्षों से लंबित केसा अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने का काम पूरा कर इसे लागू कर दिया गया है, जिससे ग्राम सभाओं की शक्ति और बढ़ेगी और उन्हें जल जंगल जमीन के बारे में खुद फैसला लेने का अधिकार होगा। मेरा मानना है कि हमारे पुरखों ने देश को आजाद कराने की जो अवधारणा विकसित की थी वह बहुत व्यापक थी। उसमें सबसे प्रमुख तत्व न्याय दिलाना ही था। इसलिए हमने आर्थिक सामाजिक क्षेत्रों के साथ ऐसे हर उपाय किए हैं जिससे समाज के हर वर्ग को गरिमा के साथ जीने का अवसर मिले, उनके विकास के बंद रास्ते खुलें, जटिल न्याय प्रक्रियाओं के बंधन समाप्त हो, हर क्षेत्र में सुधार हो, जनता के संविधान सम्मत अधिकारों और सुविधाओं में निरंतर वृद्धि हो। शिक्षा के क्षेत्र में हमने सुधार के स्थायी उपाय किए हैं, जिसके तहत पहले चरण में 14,000 से अधिक शिक्षकों की स्थायी भर्ती का कार्य शुरू किया गया, जो अंतिम चरण में है। इसके अतिरिक्त 10,000 शिक्षकों की भर्ती की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। स्वामी आत्मानंद उत्कृष्ट विद्यालय योजना से स्कूली शिक्षा के क्षेत्र में नई क्रांति आई है। विगत वर्ष हमने 51 स्कूलों से यह योजना प्रारंभ की थी, जो अब बढ़कर 279 स्कूलों तक पहुंच चुकी है। इसमें से 32 स्कूल हिंदी माध्यम के हैं और 247 स्कूलों में हिंदी के साथ अंग्रेजी माध्यम में भी शिक्षा दी जा रही है। इस वर्ष 2,52,600 बच्चों ने इन स्कूलों में प्रवेश लिया है, जिसमें 1,03,000 बच्चे अंग्रेजी माध्यम तथा 1,49,600 बच्चे हिंदी माध्यम के हैं। इस योजना की सफलता को देखते हुए हमने निर्णय लिया है कि अधिक से अधिक स्कूलों को इस योजना के अंतर्गत लाया जाएगा। आगामी शिक्षा सत्र के पूर्व 422 स्कूलों में यह योजना लागू होगी, जिनमें से 252 स्कूल बस्तर एवं सरगुजा संभाग में होंगे और इनमें दंतेवाड़ा जिले के 100% शासकीय हाई स्कूल एवं हायर सेकेंडरी स्कूल होंगे। अपना वादा निभाते हुए हमने नया रायपुर में अंतर्राष्ट्रीय स्तर का बोर्डिंग स्कूल स्थापित करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर दी है। बच्चों को उनकी मातृभाषा में ही प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करने के लिए हमने हिंदी के अलावा 16 स्थानीय भाषाओं में तथा 4 पड़ोसी राज्यों के भाषाओं में पाठ्यपुस्तकें प्रकाशित कराई है। निःशुल्क पाठ्यपुस्तक योजना के तहत कक्षा पहली से कक्षा दसवीं तक सभी शासकीय अशासकीय शालाओं तथा कक्षा आठवीं तक मदरसों के बच्चों को लगभग 52,00,000 पाठ्यपुस्तकें प्रदान की जा रही है। नौवीं कक्षा में पढ़ने वाले 1,55,000 छात्राओं को इस वर्ष निःशुल्क साइकिल देने का लक्ष्य रखा गया है। स्कूली शिक्षा को रोजगार मूलक बनाने के लिए उसका ITI के साथ समन्वय किया गया है, ताकि स्कूली शिक्षा और ITI प्रशिक्षित होने का प्रमाण पत्र एक साथ प्राप्त हो सके। इस योजना के तहत 114 हायर सेकेंडरी स्कूलों को जोड़ा जा चुका है। उच्च शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए 1,459 सहायक प्राध्यापकों, क्रीड़ा अधिकारियों और ग्रंथपालों की नियुक्ति की गई है। अतिथि